हाय हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने में आया हूं दोस्तों, और आज ब्लॉगिंग करने जा रहा हूं दोस्तों। आप लोग वीडियो पे बने रहे, और मैं अभी टमटम में जा रहा हूं, टाउन में जा रहा हूं, गोगामुख टाउन आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ में मेरा दोस्त है यहां पे, हेलो हाय किरण है मेरा दोस्त है। और दोस्तों आप लोग ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर है, नया नया खुला है अभी ये बिल्डिंग, ये सेंटर जो नया नया खुला है। दोस्तों ये टमटम का बैटरी ख़त्म हो चुका है, अभी ख़त्म होने वाला है, इसलिए फिर से अभी थोड़ा रिचार्ज करेगा लाइट में। अब लेके चलते हो ना साथ में? अभी आधा घंटा चार्ज करने से कितना टाइम चार्ज होगा? ये हो जाएगा शाम तक, हो जाएगा आधा घंटा चार्ज करने से। Thank you.
दोस्तों मेरा दोस्त का ये खेती देखने के लिए आया था हम दोनों, तो अभी धूप बहुत तेज है। हाँ धूप बहुत तेज है और अभी खेती आप लोग को दिखा रहा था, जो वही खेती है उसका। और जगह तो बहुत शांति है, बहुत अच्छा है, देख लीजिए। यहाँ से लेके पूरा एकदम वहाँ लास्ट तक पूरा इसका खेती है दोस्त का। दोस्तों आज मैं NSPC गया था, तो NSPC जाते समय मैंने सोचा कि डैम साइड में जाकर कुछ वीडियो ले लूं और आप लोग को दिखाऊं, तो इसलिए मैं जा रहा था। तो मैं अभी डैम साइड पहुंचने वाला हूं। यहां में आप वीडियो में देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा बड़ा जो मशीन लोग हैं वो सब NSPC का बनाने वाला मशीन है, जो यहाँ से अलग अलग काम, कंक्रीट का काम, वो सब काम होता है। तो देखिए अब ये ब्रिज पहुँच गया मैं, डैम साइड का ब्रिज, और ये ब्रिज का सामने में है डैम। आप लोग देखिए ये जो ब्रिज का नीचे में जो सुबनसिरी नदी है, और ये देखिए डैम साइड से निकलने वाला पानी है ये, और बहुत खूबसूरत है नज़ारे। और ये है दोस्तों डैम, NSPC का डैम, जो 2000 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा करते हैं, और शायद अभी तक सप्लाई नहीं हुआ होगा, बाद में सप्लाई देंगे यहाँ से। और पिछले बार आते समय मैं देखा था कि ये डैम का जो वाल है वो नहीं बना हुआ था, तो अभी बहुत साल के बाद में आया है, तो अभी ये डैम का वाल भी बन चुका है। दोस्तों थैंक यू आप लोग को ये मेरा वीडियो, आज का वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।